ये मोदी ने, मोदी तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चों को देख ले। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पापा क्या बात बोली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाले चंद दिनों में मोदी पीएम बनेगा या नहीं बनेगा वो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा, मगर इनके बातों में सुन के आपको क्या लगता है कि पीएम की मर्यादा खो बैठे इनो? क्योंकि जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आपको जो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वो आपको सुन के मालूम हो जाएगा, हो गया होगा कि आपको कौन सा मतलब कम्युनिटी को टारगेट करके बता रहे हैं। और जाहिर रही बात जो है मुर्जा करने की, ये सरासर गलत बात है। एक पीएम होने के नाते ऐसे शब्द के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको क्या राय है आप कमेंट करिए। और रही बात जो है, अभी दिल्ली इलेक्शन चल रहा है, दिल्ली में किस तरह से रिंकिया के पापा के जो वीडियो को बनाया के सामने लोग ने उसका मजा ले रहे हैं, और उसको जो कैंपेनिंग में जो दिखाया जा रहा है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली की हालत कुछ अलग ही है, माहौल कुछ अलग है, पूरा बदलाव माहौल है, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। ये तो हो गया कैंपेनिंग की वीडियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में किस तरह से लोग आके वोट डाल रहे बदलाव के लिए। यार ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है, तो केजरीवाल ने किस तरह से एजुकेशन को बदले और फ्री ऑफ कॉस्ट जो अच्छे से क्वालिटी के एजुकेशन दे रहे, तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए। साथ साथ जो है आप लोगों से गुजारिश है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाइए और वोट करिए, और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा पूरे देश में भी बदलाव आना ज़रूरी है। तो साथ में रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह।